राम जानकी मंदिर ब्रजराज नगर है, और ये गुरुद्वारा ब्रजराज नगर, काली मंदिर ब्रजराज नगर, और इसके पश्चात माँ काली का भी मैं दर्शन करा देता हूँ आपको। ये है माँ काली जी, ब्रजराज नगर में ही स्थित है, रेलवे स्टेशन के बगल में। तो जय माँ काली। यहाँ दीपक जलाया गया है और माँ काली जी का भलीभांति आप दर्शन कर रहे होंगे। इसके पश्चात हम लक्ष्मी नारायण मंदिर ब्रजराज नगर में आगे, और भगवान नारायण और लक्ष्मी माँ को सादर प्रणाम है हमारा। और यहाँ से प्रसाद लेने के उपरांत हम अब सीधे माँ रामचंडी मंदिर की ओर रुख करते हैं। यह है महानदी ब्रजराज नगर, यह ब्रिज है। यहाँ मैं 8-9 साल पहले आया था, और यह देख रहे हैं आप गेट। यहाँ शेर हैं दो माँ के रक्षा के लिए, और इस तरीके से गेट बनाया गया है। और इस ब्रिज के ऊपर ट्रेन चलती है, और धीरे धीरे हम उतर रहे हैं। माता का दर्शन करने के लिए हमें बहुत नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ हनुमान जी भी पहरा दे रहे हैं। दोस्तों, मैं यहाँ उतर रहा हूँ सीढ़ी माता रामचंडी के टेंपल में। जो खाई है वहीं पर माता रानी का वो है मूर्ति बना हुआ है। प्रणाम सबको। ये देख रहे हैं कितना स्वर्ग से भी सुंदर नजारा है। इधर ऊपर तरफ से भी दिखा देते हैं आपको। ओहो, इतना नीचे उतरना पड़ता है। तेरा वालिए मैं आया तेरा वालिए, टूटी ना तेरा वाली, ओ मैं बापू माता शेरा वाली। सबको प्रणाम। और एक एक जन को उतरने चढ़ने के लिए बन रहा है यहाँ, और गोल गोल घुमावदार है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके सहारे हम नीचे उतरते हैं। बहुत मनोहर दृश्य लगने लगा है, और इससे आगे क्या क्या होने वाला है आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इतना नीचे मैं शायद कभी जिंदगी में क्या क्या होता है आया हूँ। माता रामचंडी का कृपा है तो मैं आ गया हूँ यहाँ। अब फाइनली दोस्तों, मैं यहाँ आ गया हूँ। तो बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, और इस तरीके से आप देख सकते हैं वहाँ बोटिंग हो रही है। मंदिर से जस्ट लगा हुआ है महानदी, और यहाँ बोटिंग हो रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं माता रामचंडी टेम्पल का खूबसूरत परिदृश्य। और मैं भी अपना फेस कैमरे की तरफ कर लिया, और आप देख रहे हैं माता रामचंडी टेम्पल का खूबसूरत परिदृश्य। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देख रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग कि माता रामचंडी के टेम्पल का जो मुख्य प्रतिमा है यही है माता रामचंडी। यहाँ से अंदर कैमरा ले जाना प्रतिबंधित था, सो मैंने यहीं से फुटेज ले लिया है। बहुत दिनों से बना रहा चाह रहा था वीडियो, पर नहीं बना पा रहा। आप सब देख ही रहे होंगे कि यहाँ भक्त भी अपना सेल्फी लेने से चूक नहीं रहे हैं। ताता लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। आप बताइए कि माता रामचंडी टेंपल की स्थापना कैसे हुई? तो राम जी आए थे जी, हाँ,
इधर से गए तो रामचंद्र मैया यहाँ पर था, तो राम को रुका उसको जी, तो खाने के लिए रुका, तो राम जी बोले रुको, वो पूजा करके गए हैं जी जी, हैं तुम्हारा स्थान बना देता हूँ यहाँ, आप सबको सेवा करना जी, सबका मंगल करना जी। ये बोल के एक तो सर मार के ये मंदिर बना गया जी जी, जी। बहुत ही महात्म्य है इस मंदिर का दोस्तों। मैं 8 साल पहले से मैं कोशिशें कर रहा था यहाँ आने का, और आज वो मेरा सपना साकार हो गया है। ठीक है, सबका मांगता पूरा होता है, जो भी मांगता है माँ का पास सब पूरा होता है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं जी, मैं भी छत्तीसगढ़ से आया हूँ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि माता का महात्म्य आपको पता चल गया होगा। तो ये हमारे बाबा जी हैं, यहाँ रहते हैं। तो बाबा जी आपको मुझसे मिल के कैसे लग रहा है? मजा लग रहा है ना? आओ ए हरि, तेरा गुटे बोते दे दी तू, देखो तो माँ का पर्व है, माँ का यात्रा रखी बाली जी जी बनाओ, दो मैं देखूंगा बोलो जी, माँ का पर्व, माँ का पर्व रखी बाली रखेंगे तो मैं रखी बाली, हाँ रखी बाली वो पर्व दो, वो पर्व तो बोलो ठीक बाबा जी ना। यहाँ हमारे हनुमान जी भी विराजमान हैं, देख सकते हैं माता रानी की सेवा में। तो दोस्तों फाइनली आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा है और यह पानी बहुत ही पास है, बहुत ही गहरा नदी है, यहाँ बोटिंग हो रही है। तो यहाँ का परिदृश्य एक अलौकिक दृष्टिगोचर होता है। और ये देखिए पानी कितना करीब है, बहुत ही करीब है, और ऊपर मुश्किल है यहाँ चढ़ने के लिए है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम अब सीढ़ी चढ़ते हैं, देख रहे हैं बच्चे को लेके भाई साहब सीढ़ी चढ़ रहे हैं और साथ साथ मैं भी चढ़ रहा हूँ। और आप देख चुके हैं कि मैं भी कितना थक गया हूँ चढ़ते चढ़ते, हाँ फिर रहा हूँ। कुछ मिनटों के लिए तो मैं विश्राम कर ही लेता हूँ। भगवान शिव का मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, बस यह भगवान शिव का, यह भगवान शिव जी हैं, जय भोलेनाथ। प्रभु मैं दोष ही प्रणाम किए देता हूँ। बार बार यह मनमोहक दृश्य मेरे आंखों के सामने दिखता है, इस दृश्य से मैं नजर हटाने वगैरह कुछ बना होगा, मुझे इसके विषय में ज़्यादा पता नहीं है दोस्तों। तो देख सकते हैं इतने सारे श्रद्धालु आए हैं यहाँ, और इस तरीके से परिदृश्य है, और बहुत ज़्यादा यहाँ हनुमान जी हैं। तो दोस्तों मैं अब फाइनली जा रहा हूँ, अब हो गया मेरा यहाँ दर्शन। तो भैया असम से आए हैं, भैया आपका क्या नाम है? मेरा राजेश कुमार गुप्ता। राजेश कुमार गुप्ता, तो खास यहीं दर्शन करने के लिए आए? नहीं, आए थे मेरे ससुराल यहाँ पे ब्रजराज, ब्रजराज फिर माँ का दर्शन करने अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं 8 साल से यहाँ प्रतीक्षा कर रहा था, थोड़ा सा यहाँ का और कुछ तरक्की हो, अच्छा हो। जी जी जी, होगा होगा होगा, क्योंकि थोड़ा माँ का मंदिर है, तो जितनी तरह कुछ और डेवलप होगा तो यहाँ लोग और मंदिर दर्शन के लिए आएंगे। हम लोग तो कमाख्या माँ का पास रहते हैं। जी जी जी, कमाख्या माँ के पास, हाँ बहुत बहुत बड़ा धन्य हो गया। मैं माँ का पास ही रहता हूँ, 2 किलोमीटर साइड। जी मैं छत्तीसगढ़ का हूँ,
छत्तीसगढ़ जोधपुर जिला। बहुत अच्छा है, माँ का मंदिर से दर्शन हुआ जी। भैया और तो ठीक है, सब ठीक है। ठीक है भैया ना, चलते हैं। बोटिंग कर रहे हैं, मैं तो कुछ जल्दी में हूँ तो बोटिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों देख रहे कितना मेहनत कर रहा हूँ। माता रामचंडी का कृपा आप सब पर बने रहे। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ। जय माँ रामचंडी। दोस्तों अब हम लिखाई कर रहे हैं, मैं और रायगढ़ के एक पेंटर, तो अवस्थी मल्टी स्पेशलिटी केयर डॉक्टर का। दोस्तों पेंटिंग कला भी मेरा बहुत ही खास है, उससे भी दूरियां नहीं बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों लिखाई कर रहे हैं, वो भैया भी लिखाई कर रहे हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप कमेंट करना ना भूलिएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा आप बताइए। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आप बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और दोस्तों मेरे वीडियो के लिए आपका सुझाव मेरे लिए बहुत अच्छा लगेगा। अब हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और मैं क्या कहूँगा दोस्तों, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो को देख सकें और कुछ सीखने को मिलता है तो आप सीख सकें। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।